नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी और आपके साथ मैं हूं विशाल शांडिल्य। मेरे सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट शिवम शर्मा, असिस्टेंट लाइव प्रोड्यूसर विशाल सोजी। तो ऊना जिला मुख्यालय के इंदिरा स्टेडियम से आपके साथ लाइव जुड़े हैं, जहां हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा अंतर जिला डेज क्रिकेट मैच प्रतियोगिता का अगला मैच यहाँ पर चल रहा है किन्नौर और सिरमौर के बीच। तो सिरमौर ने यहाँ पर शानदार शुरुआत की है, महज 5 ओवर में यहां पर बोर्ड पर लगा दिए गए हैं करीब 44 रन और सधी हुई शुरुआत। हालांकि डेज मैच है, लेकिन T20 स्टाइल में यहां पर बैटिंग चल रही है सिरमौर की। आपको बता दें कि सुबह के सत्र में किन्नौर की पारी सस्ते में से मर गई थी, 106 रनों पर किन्नौर सिरमौर के खिलाफ यहां पर ढेर हुई टीम। और अब यहां पर वैभव शर्मा आक्रामक बल्लेबाजी दिखा रहे हैं सिरमौर की तरफ से। अभी तक 6 ओवर यहां पर खत्म हुआ है और 44 रन बोर्ड पर लग चुके हैं। अंकुश धारीवाल 22 गेंद में 15 रन बनाकर क्रीज पर है, 3 चौके इनके बल्ले से निकले हैं। और वहीं दूसरी तरफ वैभव शर्मा 13 गेंद में 21 रन, 5 चौकों की मदद से इन्होंने बनाए हैं। लंच के बाद दूसरा सत्र ये चल रहा है, इस मैच का पहला दिन आज है। और अगर किन्नौर की पारी की थोड़ी बात कर लेते हैं यहां पर, तो किन्नौर की तरफ से ऋषभ जैन और अज महेंद्र सिंह ने 24-24 रनों का योगदान अपनी टीम के लिए दिया था। 18 रन दिनेश सतीश ने बनाए हैं यहां पर, इसके अतिरिक्त 22 रन पुछल्ले बल्लेबाजों की बात करें तो अक्षय कुमार ने 22 रनों का योगदान 15 गेंद में दिया, 3 चौके 1 छक्का उनकी पारी में शामिल रहा। और सिरमौर की गेंदबाजी में शिवचरण ने सबसे अधिक 3 रन दिए हैं, 3 विकेट लिए हैं 16 रन देकर 3 ओवर में। और दानिश मोहम्मद 5 ओवर में 18 रन दिए, 2 विकेट और 2 ही विकेट अक्षय के नाम रहे, 1-1 विकेट भानु प्रताप और दीक्षित वीरेंद्र के नाम रहा। तो 7वें ओवर की पहली गेंद किन्नौर की गेंदबाजी आक्रमण पर अक्षय कुमार 3 ओवर में 13 रन दे चुके हैं और योगेश कुमार बिष्ट 3 ओवर में 23 रन पड़े हैं। और कहीं ना कहीं यहां पर इन्हें वैभव शर्मा ने डोमिनेट किया है। और ये स्क्वेयर कट शानदार चौका, कोई मौका नहीं किसी खिलाड़ी के पास। 48 पर जा पहुंचा है सिरमौर का स्कोर, तो चाहेंगे कि यहां से एक बड़ी बढ़त लेकर किन्नौर पर शिकंजा कसे। स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिएगा, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं कौन कहां से जुड़ा है ये भी हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। हिमाचल क्रिकेट पिछले कुछ वर्षों से जिस तरह से तरक्की की है, विजय हजारे ट्रॉफी हम जीते हैं, ना सिर्फ मेंस क्रिकेट बल्कि विमेन क्रिकेट में हिमाचल की बालाओं ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से नाम कमाया है वो निश्चित रूप से अपने आप में अद्वितीय अभूतपूर्व। ठाकुर सुनील धनायक हमारे साथ जुड़े हैं राजगढ़ सिरमौर से, स्वागत। आपकी टीम यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है सुनील जी। एक लंबा रन अप लेकर किन्नौर के गेंदबाज, ओहो, हुक करने का प्रयास था, छोटा गेंद था, मिस टाइम हुआ और जरूर शरीर पर लगी है गेंद। अंपायर ने पूछा कि क्या आप ठीक हैं, तो बल्लेबाज का इशारा जी बिल्कुल अगले गेंद के लिए तैयार। ठाकुर सुनील जी, पहले किन्नौर की बैटिंग हुई है और किन्नौर 106 रन पर यहां पर लुढ़का है। संदीप धफन जी हमारे साथ जुड़े हैं किन्नौर से, स्वागत आपका। राज पाठक जी रामपुर शहर से, आपका भी स्वागत। रोका उसको, मिड ऑफ के खिलाड़ी के पास जाएगी गेंद, लेकिन कोई रन लेने का मौका नहीं।
तो अगले गेंदबाज हो सकता है यहां पर गेंदबाजी आक्रमण में तब्दीली की जाए। अच्छा रोका इस गेंद को, ओवर की समाप्ति। तो 7 ओवर्स के बाद किन्नौर का माफ कीजिएगा सिरमौर का स्कोर यहां पर 48 रन बोर्ड पर लग चुके हैं। पहली पारी की अगर बात करें तो महज 58 रन पीछे और अभी सभी 10 के 10 विकेट्स सिरमौर के इन हैंड। इंदर सिंह अजडा जी शिमला से स्वागत आपका। बहुत ही शानदार तरीके से खेला, गैप में धकेला उसको, हल्के हाथों से 4 रन मिलेंगे। तो जिस तरह की बल्लेबाजी यहां पर किन्नौर के वैभव शर्मा यहां पर कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से सेट होकर आए हैं ऐसा लगता है और अच्छी खबर ले रहे हैं। निर्वा से संतोष जस्टा जी और सुनील धनेक जी, बैट्समैन के नाम बिल्कुल बताए जी। आपके साथ वैभव शर्मा और अंकुश धारीवाल इस वक्त क्रीज पर सिरमौर की तरफ से। करमवीर सिंह पठानिया कुल्लू से, मोहन ठाकुर करसोग से स्वागत आपका। संदीप जी आपका भी स्वागत। फिर से शानदार कवर ड्राइव, 4 रन, बैक टू बैक चौके यहां पर आते हुए। तो 15 गेंद पर 25 रन और 16 गेंद पर 29 रनों पर जा पहुंचे हैं वैभव शर्मा और 28 गेंद पर 19 रन, 4 चौकों की मदद से अंकुश धारीवाल। किन्नौर और सिरमौर का मैच, सचिन काजी जी, किन्नौर ने पहले बल्लेबाजी की है और 106 रन पर सभी 10 विकेट किन्नौर के जो है वो यहां पर गिरे हैं। मैच 22.3 ओवर तक किन्नौर की पारी चली और सिरमौर जिसकी पारी का 8वां ओवर चलते हुए और बोर्ड पर लग चुके हैं 56 रन। पहले विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी यहां पर होते हुए और पूरी तरह से यहां पर मंडी का मैच भी बिल्कुल आपके साथ साझा करेंगे जी जरूर। अगर ऊना में यहां पर हमारे बीच होता है, राजपूत जितेंद्र जी ठाकुर डी के मंडी से जुड़े हैं और लारजी से इंद्र ठाकुर आपका भी स्वागत इंद्र जी। अच्छा कमबैक गेंदबाज का, एक तरफा जैसे इस मैच को बना दिया है अंकुश धारीवाल और वैभव शर्मा की इस जोड़ी ने। वैभव शर्मा जो कि बेहद खतरनाक और आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी यहां पर कर रहे हैं, इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रॉफी के लिए मैच यहां पर हो रहा है जी। सिंगल निकालेंगे, मिड ऑफ का फील्डर जब तक गेंद को कलेक्ट करेगा। सी शेखर भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए स्वागत आपका। राजेंद्र ठाकुर जी जुड़े हैं, ओम प्रकाश राणा जी धन्यवाद, ओम प्रकाश जी स्वागत। अंकुश धारीवाल सामना करेंगे 9वें ओवर की पहली गेंद का और स्कोर यहां पर 57। बड़े ही हल्के हाथों से खेल अपने ही फॉलो थ्रो में, आसान नहीं होता, जाने दिया उसको। मिड ऑफ दोनों कवर करेंगे उसको, कोई रन नहीं मिलेगा।
मनी ठाकुर, धन्यवाद। ऊना में मैच हो रहा है संजू ठाकुर जी, ये अजय कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, धन्यवाद। शमशेर चंदेल जी बद्दी, हिमाचल का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, धन्यवाद। शानदार तरीके से उसको ड्राइव किया, हालांकि मिड ऑफ के फील्डर के पास गेंद, कोई रन में इजाफा नहीं। यहां पर ओवर यहां पर खत्म होते हुए, माफ कीजिएगा, 8 ओवर्स के बाद 57 रन बोर्ड पर लगे हैं यहां पर। जगमोहन राष्ट्रवादी जी, ये इंटर डिस्ट्रिक्ट HPCA के मैचेस हैं, सीनियर क्रिकेट टीम्स के बीच यहां पर अंतर जिला सिरमौर और किन्नौर जिलों के बीच यहां पर मैच चल रहा है। अजय जी, स्कोर इस वक्त हो चुका है 57 रन 8 ओवर्स में बिना किसी नुकसान के। डेज मैच है यशवंत जी, यहां पर ओवर्स का कोई भी यहां पर लिमिट नहीं है। 22.3 ओवर में यहां पर किन्नौर की पारी 106 रनों पर सिमटी थी और जवाब में सिरमौर की पारी यहां पर शुरू हो चुकी है और 8 ओवर में 57 रन बोर्ड पर लग चुके हैं बिना किसी नुकसान के। किन्नौर से बिल्कुल टीम आपके साथ साझा करेंगे जी, कौन कौन किन्नौर से खेल रहे हैं, सिरमौर से कौन कौन खेल रहे हैं। संजू ठाकुर जी, सिलेक्शन तो खैर सभी टीम्स की यहां पर हो चुकी है, टूर्नामेंट यहां पर शुरू हो चुका है, ट्रायल्स आपके साथ हम साझा करते हैं, ट्रायल्स की सूचना भी हम साझा करते हैं आपके साथ समय समय पर। स्टे ट्यून्ड विद लाइफ टाइम्स टीवी। तो किन्नौर की टीम में कौन कौन लोग यहां पर हैं आपके साथ हम साझा कर रहे हैं, ऋषभ जैन, राज मोहिंदर, अज महेंद्र सिंह, जगदीश चंद, दिनेश सतीश, योगेश कुमार, आयुष अशोक कुमार और किंशुक लांबा, अक्षय कुमार, अनुराज नेगी, राजेश माफ कीजिएगा राकेश, ये किन्नौर की टीम में हैं यहां पर शामिल किए गए हैं। और सिरमौर की टीम पर नजर दौड़ाएंगे, बेहद शानदार शॉट, उतनी ही शानदार फील्डिंग भी, लेकिन निकल जाएगी 4 रन के लिए। अंकुश धारीवाल, वैभव शर्मा, प्रशांत तोमर, रोहित कॉलिश, दानिश मोहम्मद, शिवचरण, दीक्षित वीरेंद्र, भानु प्रताप, गुरविंदर सिंह, नाहिद अली, अक्षय कुमार, ये सिरमौर की टीम के खिलाड़ी यहां पर जी। बिल्कुल टेस्ट मैच यहां पर चल रहा है, फिलहाल हमीरपुर पिछले चैंपियन हैं और ऊना रनर अप रहे हैं, इसी मैदान पर फाइनल खेला गया था पिछले वर्ष। ओहो हो हो, बाउंसर। संजू ठाकुर जी, नेक्स्ट ट्रायल जब भी होंगे आपके साथ साझा करेंगे। अविनाश नेगी नहीं है जी फिलहाल टीम में, और पिछले 6 टूर्नामेंट जो इंटर डिस्ट्रिक्ट यहां पर डेज के रहे हैं उनमें से 4 बार ऊना की टीम फाइनल खेल चुकी है। जी बिल्कुल मनोज जी, टेस्ट मैच 3 डेज मैच रहता है यहां पर, ये इंटर डिस्ट्रिक्ट अगर बात करें। ओहो, शानदार तरीके से कट किया उसे, पॉइंट के ऊपर से 4 रन्स मिल जाएंगे यहां पर। तो सेट होकर आए हैं वैभव शर्मा और बॉल, इनको फुटबॉल नजर आ रही है जिस तरह से बल्लेबाजी की है। 20 गेंद में 34 रनों पर जा पहुंचे हैं, 8 चौके इनके बल्ले से निकल चुके हैं। ओम प्रकाश राणा जी बैकअप करते हुए, बैकअप बॉयज, वेल प्लेड सिरमौर। अक्षय शर्मा है क्या नाहन से जिस सिरमौर की टीम में फिलहाल अक्षय जी का नाम यहां पर प्लेइंग 11 में अक्षय कुमार शर्मा बिल्कुल है जी, गेंदबाज हैं, 11वें नंबर पर बल्लेबाजी क्रम में रखा गया है उनको। छोड़ा, प्रीति चौहान जी बैट्समैन नेम वैभव शर्मा सिरमौर से और अंकुश धारीवाल ओपनिंग पेयर, सलामी बल्लेबाज दोनों इस वक्त मैदान पर।
पर 65 जा पहुंचा है स्कोर। नौवां ओवर चल रहा है यहां पर। कोई भी गेंद जो इनके पाले में दिखाई दे रही है उस पर पूरी तरह से प्रहार कर रहे हैं वैभव शर्मा। सिरमौर में प्रशांत तोमर जी बिल्कुल हैं जी, नंबर 3 पर बल्लेबाजी क्रम में रखा गया है इनको। गौरव नेगी किन्नौर की टीम में जी बिल्कुल नहीं, फिलहाल इन प्लेइंग 11 में गौरव का नाम नहीं है। किन्नौरी मेलेडीज बिल्कुल जरूर, टीम का अभी फिलहाल बायोडाटा यहां पर उपलब्ध नहीं है, पूरा जो भी यहां पर डिटेल्स हैं वो जरूर आपके साथ हम साझा करेंगे। ओवर की समाप्ति, स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो शानदार मैच यहां पर चलते हुए किन्नौर और सिरमौर के बीच इंदिरा गांधी खेल परिसर में। वैभव आज 100 करेगा जी, निश्चित रूप से उम्मीद करेंगे कि सभी बल्लेबाज और सभी गेंदबाज बेहतरीन प्रदर्शन करें। हालांकि ये मुमकिन नहीं होता क्योंकि जब गेंदबाजों का बेहतरीन प्रदर्शन रहता है तो फिर बल्लेबाजी लड़खड़ा जाती है, और जब बल्लेबाज फॉर्म में रहते हैं तो गेंदबाजों की अच्छी खबर लेते हैं। गेंदबाजी में परिवर्तन, स्पिनर को लाया गया है यहां पर, मीडियम पेसर्स की अच्छी खासी खबर ली है दीक्षित वीरेंद्र। तो यहां पर अक्षय कुमार के 5 ओवर में 25 रन और योगेश को 4 ओवर में 32 रन, तो टेस्ट मैच है और T20 फॉर्मेट के हिसाब से यहां पर वैभव शर्मा जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं वो निश्चित रूप से बेहद शानदार और जानदार। गेंदबाजी में पहला परिवर्तन स्पिनर को लेकर आए हैं। फ्लाइट डिलीवरी और ललचाना चाहते हैं कि किसी तरीके से आप हिट करें और कोई ना कोई चांस यहां पर बने विकेट के लिए। प्रेम नेगी जी फिलहाल हो सकता है कि सिरमौर की गेंदबाजी जो है वो यहां पर धारदार रही हो, और होता है जब आपके पास एक अच्छी बॉलिंग लाइनअप रहती है तो बल्लेबाजों के लिए मुसीबत का सबब बनती है। किन्नौर के सस्ते में सिमट जाना कहीं ना कहीं वही कारण जरूर रहा होगा, और सुबह के सत्र में कई बार विकेट का भी बिहेवियर। ओ, और ये निकल गई है गेंद लॉन्ग ऑफ को छकाते हुए 4 रन के लिए। जो गेंदबाजी में परिवर्तन यहां पर किया गया था वो किसी भी तरह से प्रभावशाली नहीं दिख रहा। कांगड़ा का मैच आपके साथ जरूर साझा किया जाएगा जी। वैभव अरोड़ा, शुभम अरोड़ा हमीरपुर से खेल रहे जी, लेकिन वैभव अरोड़ा के बारे में जानकारी यहां पर नहीं है, और वैभव शर्मा सिरमौर के यहां पर हैं और इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि वो शानदार बल्लेबाजी यहां पर कर रहे हैं। 10वां ओवर प्रगति पर है, 69 रन बोर्ड पर लग चुके हैं और 106 रन पहली पारी में किन्नौर के। सम्मान दिया गेंद को, चार मैदानों पर यह श्रृंखला खेली जा रही है। ऊना के इस मैदान इंदिरा मैदान पर, संतोषगढ़ के PCPA मैदान ऊना जिला में ही है, और यह हवा में खेला गया शॉट। गेंदबाज कोशिश कर रहे थे, फ्लाइट डिलीवरी दे रहे थे, मिड विकेट के ऊपर से खेला, 4 रन मिल जाएंगे यहां पर अंकुश धारीवाल को। 35 गेंद पर 27 रनों पर जा पहुंचे हैं अंकुश धारीवाल इस चौके के साथ, और टीम का स्कोर 73।
वैभव शर्मा के साथ साथ अब अंकुश भी हाथ खोलने लगे हैं, और वैभव ने 24 गेंद में 38 रन 9 चौकों की मदद से बनाए हैं। जी विशेष रूप से हरियाणा की मिट्टी जो है वो इस्तेमाल की जाती है, पिचेस की बात करें तो पिचेस को बनाने में। ओवर के समाप्ति 10 ओवर के बाद 73 रन बोर्ड पर लग चुके हैं बिना किसी नुकसान के। 106 रनों के स्कोर का यहां पर जवाब देने उतरी है सिरमौर की टीम किन्नौर के खिलाफ। लाइव टाइम्स टीवी के लिए ऊना से वीडियो जर्नलिस्ट शिवम शर्मा, असिस्टेंट लाइव प्रोड्यूसर विशाल सूजी के साथ विशाल शांडिल्य।